हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका भरे दिल से स्वागत है। जैसे कि कांसाई नेरोलैक शेयर के बारे में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग नए हों मेरे इस चैनल में, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। आप ही का चैनल है मनी मेकर 2307। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा लेवल का ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में लगातार तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो वो आप देख सकते हो कि वो माहौल है आपका 425 का। स्टॉक के लिए बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस था 425, और स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट करते ही स्टॉक में एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देख सकते हो कि ये 425 एग्जैक्ट जो आपका जो निकल के आ रहा है 425 का जोन, तो 425 को क्रॉस करते ही स्टॉक में तेज़ी है। और आज 434 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है कांसाई नेरोलैक। तो सपोर्ट क्या होगा? अब ये जो है बहुत दिनों से देख रहे हो आप, ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। बहुत बढ़िया तरीके से आपका यू पैटर्न बना के स्टॉक ने पहला तो इसको ब्रेकआउट किया, और टारगेट यहाँ से ये जो हाइट है, इस हाइट को यहाँ प्लेस कर दोगे तो इतना हाइट तक टारगेट निकल के आएगा। तो टारगेट आपका आ रहा है, टारगेट देख लेते हैं कि कौन से प्राइस पे आ रहा है। टारगेट आपका 470 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देख सकते हो कि ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो आने वाला टारगेट आपका 470 रहेगा। कांसाई नेरोलैक बाइंग रिकमेंडेशन है और ब्रेकआउट दिया है, हाल ही में ब्रेकआउट दिया है, तो बाई कर सकते हो। टारगेट 470 आपका जोन लास्ट तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना दिनों के ट्रेडिंग सेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है तो अच्छा खासा टारगेट भी जाते हुए दिखेगा। और सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट अभी 420 का लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। कांसाई नेरोलैक में 420 बहुत बढ़िया सपोर्ट के काम करेगा, और बिग ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक ने। इतना दिन का देख सकते हो कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट दिया है, और सिर्फ इतना दिन नहीं, ये इतना दिन भी पकड़ना पड़ेगा। तो इतने दिनों के बाद ब्रेकआउट दिया है तो एक अप ट्रेंड रहेगा स्टॉक में कॉन्टिन्यूस। तो 470 का टारगेट लेके चल सकते हो। और अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना आप ही का चैनल मनी मेकर 2307। थैंक्स फॉर वॉचिंग।